नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक अंतरिम फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए सभी हाई कोर्ट को सचेत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच का विधायी अधिकार है और कोर्ट को संज्ञेय अपराध की जांच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। कोर्ट जांच से मना कर सकता है जब उसे पहली निगाह में लगे कि एफआईआर में संज्ञेय अपराध का पर्दाफाश नहीं होता। प्रारंभिक स्तर पर आपराधिक जांच नहीं रुकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि सामान्य तौर पर कोर्ट को पुलिस के क्षेत्राधिकार में दखल नहीं देना चाहिए। दोनों संस्थाओं की अलग अलग कार्यस्थिति है और पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 में हाई कोर्ट को मिली शक्ति व्यापक है, लेकिन ज्यादा शक्ति से जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बेंच ने कहा है कि हालांकि जब लगे कि न्याय की हत्या हो रही है, हाई कोर्ट को तय मानकों के मुताबिक एफआईआर रद्द करने योग्य लगती है तो उसे रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के क्या मायने हैं और इसका कैसे पड़ेगा आपराधिक जांच में दूरगामी असर, पहले नजर डालिए रिपोर्ट पर, उसके बाद करेंगे पड़ताल। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में देश के सभी हाई कोर्ट को सचेत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि आपराधिक मामले में अंतरिम आदेश के जरिए अभियुक्तों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश रूटीन तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने यह फैसला मैसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण के अलावा उसके खिलाफ किसी तरह की कठोर कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच का विधायी अधिकार है, कोर्ट को संज्ञेय अपराध की जांच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। कोर्ट जांच से मना कर सकता है जब उसे पहली निगाह में लगे एफआईआर में संज्ञेय अपराध का पर्दाफाश नहीं होता। एफआईआर रद्द करने की मांग पर विचार के समय कोर्ट आरोपों की सच्चाई नहीं जान सकता। प्रारंभिक स्तर पर आपराधिक जांच नहीं रुकनी चाहिए। बेंच ने कहा कि सामान्य तौर पर कोर्ट को पुलिस के क्षेत्राधिकार में दखल नहीं देना चाहिए। दोनों संस्थाओं की अलग अलग कार्यस्थिति है, उन्हें दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है जो उसमें अपराध से जुड़े सारे फैक्ट्स और डिटेलिंग होनी चाहिए। इसलिए जब पुलिस की छानबीन जारी है तो ऐसे में कोर्ट को एफआईआर में दर्ज आरोपों की सच्चाई पर नहीं जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 482 में हाई कोर्ट को मिली शक्ति व्यापक है, लेकिन ज्यादा शक्ति से जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बेंच ने कहा कि हालांकि जब लगे कि न्याय की हत्या हो रही है, हाई कोर्ट को तय मानकों के मुताबिक एफआईआर रद्द करने योग्य लगती है तो उसे रद्द कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, यहाँ पर जो बयान दिया गया है या फिर ये कहा जाए कि जो फैसला किया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, खासतौर पर प्रारंभिक जांच को लेकर, उसके मायने क्या निकलते हैं? जो क्षेत्र अधिकार की बात की गई है, कर्तव्यों की बात की गई है, जिम्मेदारियों की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रारंभिक जांच को लेकर या फिर अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट को लेकर, तो उस बाबत आखिर जिम्मेदारियां, क्राइटेरिया, मापदंड और उसके साथ साथ सीमाएं क्या हैं? मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रदीप शर्मा हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा यहां पर आपको बता दें एके जैन है जो कि डीजीपी है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषक्त अत्रे हैं जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप जी, जब तक प्रारंभिक जांच पूरी ना हो, हाईकोर्ट को दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, जो कहा गया है, क्या मायने निकाले जाए इसके, क्या समीक्षा है इसकी? मैं अभी इतना विद्वान तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट के ऊपर टिप्पणी दे सकूं। हाँ, लेकिन हम दोनों तरफ से केस लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि अगर किसी कारण से 482 का उपयोग किया जाना चाहे, उस स्थिति में किया जाए कि जहां पर कानून की धज्जियां, बेसिक प्रिंसिपल जो लोप है, जो काफी सारे जजमेंट में है, सुप्रीम कोर्ट में ही काफी सारे केसेस में पता है कि बेल एंड नोट, इसी प्रिंसिपल को काफी सारे केसेस हमने बहुत सारे केसेस में अपेयर हुए हैं, बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और का भी मानना है उनसे कि बेल इज ए मैटर ऑफ राइट,
किसी भी अपराधी का, जब तक कि वो अपराधी के ऊपर उसका जो जुर्म है वो साबित ना हो जाए, तब तक वो उसको हम अपराधी नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि अगर आप किसी अपराधी के खिलाफ, अगर उसका केस जायज भी है, आप जानती हैं केसेस में रास्ते पे अटेम्प्ट टू रेप में या मोलेस्टेशन में, स्टॉकिंग में, मतलब 376 और 374 में अक्सर झूठे केसेस में लोगों को फंसा दिया जाता है। हाँ सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट अभी पहले आई थी, इसमें ये कहा गया था कि एडीज अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए झूठे इल्जाम लगा देते हैं, बाद में फिर वो पाया जाता है कि वो झूठे इल्जाम थे, उसकी प्रक्रिया क्या है वो बात है, लेकिन एक बार आदमी के ऊपर झूठा आरोप लग गया, इस तरह का कोई संगीन आरोप गया, आप देखिए कि सोसाइटी में उस आदमी के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। 482 बिल ये कहता है, 482 आरटीसी और 226 आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दो ऐसे सेक्शन जिसके की अंदर हाई कोर्ट के पास इनडेफिनेट इनफाइनाइट पावर्स, लेकिन इसमें ये देखा गया है कि 482 का या 226 का उपयोग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं किया जाना चाहिए। तो जी केस के प्रोस एंड कॉन्स देखकर उसके बाद ही हाई कोर्ट को ये देना चाहिए कि क्या वाकई ही 482 का यूज करना है। अब 482 के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कि भजपाल की एक बहुत रिपोर्टेबल जजमेंट है, उसके अंदर दिया हुआ है ये, अगर किसी भी तरह की, अगर तो फिट, मतलब आप एफआईआर को सच मान लें जो एजुकेशन उसके ऊपर लगे और इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगे हैं उनको मानते हुए, सिर्फ एडिशनल डॉक्यूमेंट, अभी मैं ये कह रहा हूं कि जो कंटेंट्स हैं उनको अगर आप सच मान लिया जाए, और 482 की प्रक्रिया में एडवोकेट जाए कोर्ट के सामने और वो ये बताए कि हैं जो एलिगेशन लगाए हैं वो, फॉर एग्जाम्पल आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, फोन कॉल की लोकेशन कई बार व्हाट्सएप मैसेज और कई बार कई अन्य माध्यम, ये पता लग जाता है कि के ऊपर जो जो एक्यूज है उसकी लोकेशन का सीसीटीवीज हैं, आप अगर आपके ऊपर एलिगेशन आया आप इस पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर डे के ऊपर आपने एक महिला के साथ करने की कोशिश की, ये आपके ऊपर आरोप, उस आरोप को देखते हुए पुलिस पुलिस पास जब भी कोई एफआईआर कंप्लेंट लिखवाने जाता है तो उसमें बताया जाता है ये ऑफ इंसिडेंस कहाँ, उस इंसिडेंस को देखते हुए पुलिस की ड्यूटी होती है जो इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस को उस पर्टिकुलर एरिया में देखना होता है कि वहां पर क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है या नहीं, फिर जो फोन की लोकेशन, एक्यूज की फोन की लोकेशन और जो कंप्लेन है उसकी भी फोन की लोकेट, तो जब कोई अलर्ट करता है वो उसको एक पर्टिकुलर जगह पे होने के कारण ही अलर्ट करता है, तो बिल्कुल उसकी भी लोकेशन, एक्यूज की भी लोकेशन, दोनों की लोकेशन देख ली। अब अगर ये पाया जाए इन्वेस्टिगेशन कि जो एलिगेशंस हैं कंप्लेंट के अंदर वो कंप्लेंट से मैच नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या किसी जेल में रखना सही रहेगा? मेरा मानना यह है कि बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन
ठीक है ऑलरेडी ही हमारे आप बड़े अच्छे आप याद है आपको कि दिल्ली की जो जेलें हैं वो हैं, ठीक है दस अभिषेक हजार जी, की कैपेसिटी जेल के है, 30-30 हजार इनमेट। और आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 70% के करीब जो उसमें जेल में जो कैदी वो अंडर ट्रायल। अच्छा ठीक है मुझे एक बात बताइए प्रियंका जी, कि कल कोई ये बात प्रूव हो जाए कि जिस आदमी के खिलाफ आपने एक्शन लगाए वो इनोसेंट है, ट्रायल में एक लंबा प्रोसीजर होता है उसमें कई बार सालों लग जाते हैं, ठीक है तो क्या कैन द स्टॉक बी सेट? तो आंसर इसका नो है। तो बिल्कुल मेरा कहना यह है कि अगर प्रेमा फ्राइडे 482 में अगर ये लगे कि यस ए केस इज मेड आउट इन फेवर ऑफ दिस पर्सन, दे शुड डू इट। ठीक है अभिषेक जी, आपका क्या नजरिया है इस फैसले को लेकर? क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अभी बकायदा प्रदीप शर्मा जी कह रहे थे कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर एक बार सही मायने से गंभीरता के साथ विचार करना जरूरी है, तो आपके हिसाब से अगर ये फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, खासतौर पर देशव्यापी हाईकोर्ट्स को लेकर, क्या नजरिया है आपका इस पर? देखिए फैसला बिल्कुल सही आया है और ये पहली बार नहीं आया है, पहले भी कोर्ट्स कहती रही हैं कि जब इंटरिम ऑर्डर्स भी पास करते हैं या बेल ग्रांट करते हैं कुछ ना कुछ रीजन होने। और जहां तक ये कहना कि जब तक ट्रायल नहीं कंप्लीट होगा किसी भी आदमी को जेल में नहीं रखेंगे तो क्या बराबर क्राइम करने के लिए छोड़ते रहेंगे सबको? पूरी सोसाइटी में अगर क्राइम हो रहा है तो क्रिमिनल ऐसे ही थोड़ी किसी हर किसी को जेल में डाला जाता है। हर आदमी जैसे कोई क्राइम कमिट होता है, कोई कंप्लेनेंट ने FIR लिखवाई, उसके पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, वो ग्रेविटी देख के तो अरेस्ट करते हैं। अगर किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया या गोली चला दी तो ऐसे आदमी को बाहर थोड़ी छोड़ा जाएगा, अगर वो अगले दिन ही बाहर आ जाए वो तो खत्म ही कर देगा विटनेसेस को भी। तो उस सबको देख के बेल के ऑर्डर्स किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि आंख बंद करके बेल दी जाती है या आंख बंद करके जेल में भेजा जाता है। अगर छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं तो ऑब्वियसली बेल मिल जाती है, लेकिन जहां हीनियस क्राइम है वहां बेल नहीं मिलती है। तो सिर्फ एक ये नजरिया कि ट्रायल नहीं हुआ इसलिए सबको छोड़ देना चाहिए, सड़कों पे क्राइम करने के लिए छोड़ देना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। जहां तक ये वाला ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास इसलिए किया है, ब्लैंकेट स्टे ऑर्डर्स का कोई मतलब नहीं होता कि नो कोर्सिव स्टेप विल बी टेकन। कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी और पुलिस का दोनों का रोल अलग अलग है, दे आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर नॉट ओवरलैपिंग। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, एक बार FIR रजिस्टर, FIR इज नॉट एनसाइक्लोपीडिया, वहां ये नहीं है कि पूरे के पूरे केस के कंटेंट्स आने चाहिए, उनके बेस पे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। FIR तो फर्स्ट रिपोर्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मटेरियल निकल के आता है, क्या क्या एविडेंसेस निकल के आते हैं पुलिस के पास, उसके बेस पे 173 में पुलिस अपनी रिपोर्ट फाइल करती है, या तो चार्जशीट कहा जाता है या फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है दिल्ली में लैंग्वेज में। और उसके बाद मजिस्ट्रेट अपने डिसीजन लेता है, अगर पुलिस को लगता है कि कोई नहीं बनता है तो पुलिस FIR फाइल करती है, उसके बाद भी मजिस्ट्रेट के पास पावर्स होती है कि देखने के यहाँ पुलिस ने सही फाइल किया है नहीं, स्टेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, या चार्जशीट फाइल पे उसके बाद भी चार्जेस के आर्गुमेंट्स होते हैं, डिस्चार्ज भी किया जा सकता है एक्यूज को। तो लेकिन FIR रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टेट, अगर कोई क्वेश्चन के लिए आता है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये ब्लैंकेट स्टे मत पास कर, अगर कोई बेल का केस बनता है तो ही विल गो फॉर बेल एंड विल टेक बेल, अगर बेल का ऑर्डर मैटर नहीं बनता है तो ये ब्लैंकेट स्टे और पुलिस को एक तरह से रोक देना कि नो कोअर्सिव स्टेप विल बी टेकन, अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो कोअर्सिव स्टेप विल बी टेकन तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस उसके अकाउंट भी नहीं देख पाएगी, पुलिस उससे इंक्वायरी भी नहीं कर पाएगी, किसी के विटनेस स्टेटमेंट भी नहीं ले पाएगी, पुलिस को तुमने हैंडीकैप बना के छोड़ दिया, तो इट शुड नॉट बी इन रूटीन थी। पुलिस को काम है, पुलिस का उनका अपना काम है, तो कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। और जहां तक कॉग्निजेंट ऑफ 482 आवर्स के बारे में सुप्रीम बोलता है, और पहली बार नहीं बोला, पहले भी कई जज हैं इस तरह के, कि तुम जब डिस्क्रिशनरी पावर डिवाइड पावर से में इनहेरेंट पावर के पास या 226 हम ये पावर शिफ्ट करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि जिसकी वाइड पावर तो उसकी वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारे ऊपर, मिसयूज करने के लिए पावर नहीं दी गई। और यहाँ पे पावर्स को यूज करने के लिए
हमें सोचना चाहिए केस खत्ता भी है, इसने इतना ब्लैंकेट इसके देने, ब्लैंकेट इसके तो रेयर है, तो रेयर केस के लिए देते हैं, इस तरह पुलिस को नहीं रोक उनका काम। ठीक है डॉक्टर ए के जैन जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आखिर पुलिस की कितनी मदद होगी? प्रारंभिक जांच की अगर बात की जाए तो कितनी मदद हो सकती है इस फैसले के बाद? जो पुलिस है वो किस हद तक उसको जांच में, प्रारंभिक जांच करने में किस हद तक मदद साबित करता है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश? कोई बार नहीं आया है, पहले भी आ चुका है, कई बार इस प्रकार के प्रयास कुछ बड़े क्रिमिनल्स के द्वारा किए जाते हैं कि बड़े बड़े वकील हायर करके और इनिशियल स्टेज पर ही पूरे केस को ध्वस्त करना चाहते हैं, उसको पूरा स्टे करा देना चाहते हैं और उसके बाद जो है वो प्रकरण बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये पुलिस की इनहेरेंट पावर्स हैं, पुलिस को अधिकार है कि पुलिस किसी क्राइम में इन्वेस्टिगेशन करे, जो संज्ञेय अपराध हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसमें साक्ष्य एकत्रित करें। कोर्ट के पास आगे भी बहुत से मौके रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो है जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर दिया उसको वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं है। तो जो है जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो अभिषेक जी अभी कह रहे थे मेरे पूर्व वक्ता, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, हालांकि इसमें ऑडियो आपके चैनल पे बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। जो सबसे पहले जो वक्ता बोले सुप्रीम कोर्ट के जज जो वकील साहब, उनकी मैं बात को नहीं ध्यान से सुन पाया, पर जो आपने अभिषेक जी ने कहा मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। हर हर एजेंसी का अपना अपना एक कार्य है और उसके कार्य में अनावश्यक बाधा नहीं उत्पन्न की जानी चाहिए, जब तक कि कोई बिल्कुल एक ऐसा रीजन ना हो, टेंजिबल कोई कॉज ना हो जिससे कि प्रूव कर सकें आपकी इसमें कोई अदरवाइज कोई इसमें गलती हो रही है, और अन्यथा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं जस्टिस चंद्रचूड़ और तीन जजेस की बेंच ने जो जजमेंट दिया है मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ और उसकी सराहना करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर यही सवाल अभी भी बना हुआ है कि जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो यहाँ पे बकायदा कहा है कि हाई कोर्ट को उसमें अगर देखा जाए तो जब तक जरूरत ना हो तब तक दखलअंदाजी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, बल्कि समझने की कोशिश करना चाहती हूँ कि ऐसे में पुलिस जब अपनी प्रारंभिक जांच शुरू करती है तो इस हिसाब से रोड़े कहाँ से अटकाए जाते हैं? ठीक है, बेल को लेकर एक मसला सामने आता है कि कहीं ना कहीं जब पुलिस जो जांच शुरू करती है तो उस दौरान पहले ही बेल को लेकर या अपने हायर जो उनके एडवोकेट होते हैं उन तक पहुंच बनाने की कोशिश की जाती है और रोड़े अटकाने की बात कही जाती है, लेकिन आपने कहा कि इससे रिलेटेड, इससे संबंधित पहले भी फैसले आ चुके हैं, तो फिर काम ढंग से क्यों नहीं हो पाता? आखिर दूसरी बार कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? कोई ऐसा प्रकरण लाइट में आया होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। ये एक मुंबई का बता रहे हैं जिसको कि रेज किया गया और जिसको लेकर जजमेंट पास हुआ है, उसकी डिटेल में उसको पढ़ना पड़ेगा कि किस स्टेज पर उसको रोकने का प्रयास किया गया या उसमें कुछ एडवर्स ऑर्डर्स पास किए गए। देखिए पुलिस का काम बहुत दुरूह होता है और जब मैंने सर्वे शुरू करी 79 में और जब मैं रिटायर हुआ तब तक इनमें बहुत परिवर्तन आ चुका था जी। अब बहुत से केसेस हैं जिसमें कि आपको अरेस्ट करने की पावर ही नहीं है, आपको उसको इमीडिएटली बेल देनी है, जबकि वो हो सकता है कि वो समाज के लिए एक अभिशाप के रूप में हो और उसका उसको उसको गिरफ्तार करना आवश्यक हो। बहुत सी उसमें रीजंस हैं जो मेंशन करने पड़ते हैं केस डायरी में, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग ये श्रोताओं के लिए नहीं होगा, पर ऑलरेडी बहुत सी शक्तियों में कमी कर दी गई है। बेल जो है वो आप एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हैं और बहुत से एवेन्यूज हैं जो कि खुले हुए हैं एक्यूज के लिए, और बहुत मॉनिटरिंग होती है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आईओ के ऊपर कई रैंक्स हैं जो कि लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, पब्लिक कंप्लेंट्स अगर कोई आती है तो उनको सुनते हैं, जो कंप्लेनेंट है उसकी बात को भी सुनते हैं, विटनेसेस को भी सुनते हैं कि कहीं जो कि तफ्तीश सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, तो सीनियर ऑफिसर्स भी उसके उसको वो करते हैं। तो विश्वास करना चाहिए पुलिस विभाग के ऊपर कि वो अपना कार्य सही से अंजाम देंगे और अगर उनको लगता है कि किसी स्टेज पर कहीं कोई गलती हुई है या कोई गलत कार्य हो रहा है तो
तो उसमें स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग। बिल्कुल, यहाँ पर एक प्रदीप जी एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर चलिए फैसला बकायदा जो निर्देश है वो दे दिए गए हैं और कहा गया है कि हस्तक्षेप प्रारंभिक जांच में ना किया जाए, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूरगामी भी असर हो इसका? अगर ये फैसला आया है तो क्या ये मानकर चला जाए कि आपराधिक दृष्टिकोण से जांच में कोई दूरगामी असर भी हो सकता है इसका? प्रदीप जी, दूरगामी असर तो इसका होगा ही होगा। अगर देखा जाए तो ये बेसिकली के एक्यूज्ड फ्रेंडली लोग, आप सीआरपीसी में जितने प्रोविजंस देख लीजिए, आप आईडीसी में देख लीजिए, जितने भी सेक्शंस हैं वो एक्यूज्ड फ्रेंडली हैं। जब ये सीआरपीसी का जब बन उस टाइम पे यही देखा गया था आदमी की फ्रीडम है वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। मैं अभी शेख जी ने बोला कि कई जजमेंट आज में, मेरा एक छोटा सा ये है कि क्या इसके अदरवाइज जजमेंट, शायद अगर आप रिकॉल करते तब बोलना शुरू किया था मैंने बताया था कि जजमेंट उसके अंदर 482 इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको यूज करना है। 482 में वर्ड स्पेरिंगली, 226 में भी स्पेरिंगली, उसका कहने का मतलब कि आप को यूजुअल जनरल टर्म्स में यूज नहीं करते, लेकिन अगर प्रमा फसली आपको ये नजर तक ऑन द फेस ऑफ जो भी कंप्लेंट आए, उस कंप्लेंट के अगर उस कंप्लेंट को सच्चा मान लिया जाए, मेरा कहना, मैं ये नहीं कह रहा कि इस जजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा कहना ये है कि 482 कोई ब्लैंकेट कोर्स इंफेक्शन लेना, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि कंप्लेंट रुकी, इन्वेस्टिगेशन होगी बहुत बार। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से अभी पी चिदंबरम के अंदर बेल के कुछ गाइडलाइन सेट की, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके, या प्रोबेबिलिटी अपराधी की देश की ना हो। कोर्ट ये कहती है अगर ये कंडीशंस पी चिदंबरम में और भी एन नंबर ऑफ जिनके अंदर ये सेट किया गया है प्रेसिडेंस को, तो अगर ऐसे के अंदर जब एक बार ये देख लिया गया कि ये तीनों चीजें किसी भी सूरत में है वो नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से आप उसपे, फिर मैं रिपीट करूंगा उसने कि उस वर्ड है स्पेरिंगली यूज कर, यूजुअल कंडीशंस में यूज ना करें, कोर्सिव एक्शन इन यूजुअल टर्म्स में लेना चाहिए, नहीं है कि कोई भी कोर्ट के सामने आए और कोर्ट ऊपर कह दे कि हाँ आप इस पे करेंगे या कोर्सिव एक्शन, लेकिन अगर ऑन द फेस ऑफ इट किसी कंप्लेंट में लिखा है उसको सच्चा मानने के बाद जी, अगर ये पाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर डाटा इज कलेक्टेड और उसमें ये पाया जाए कि चीजें गलत हैं, एक्सेप्शन गलत है, तो उस कंडीशन के अंदर पेरेंटली इस बात को यूज कर लेना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर प्रदीप जी की इस बात का एक बार फिर से विश्लेषण भी करेंगे, अभिषेक जी से बकायदा इस बाबत सवाल भी करेंगे कि बकायदा जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आदेश जारी किया है खासतौर पे दंडात्मक कार्रवाई या फिर जो बेल को लेकर जिक्र किया गया है उस बाबत खासतौर पे जो हाईकोर्ट से उनको ये कहा गया है कि सोच विचार करके फैसला किया जाए, और ऐसा नहीं है कि इस तरह का निर्देश या इस तरह का आदेश पहली बार आया हो, इससे पहले भी इस तरह के आदेशों का अक्सर फैसलों का जिक्र किया जा चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जरूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूज पॉइंट रह जाता है जहां पर जिसका फायदा उठाकर कई बार के देखने को मिलता है कि जो अपराधी होते हैं उसका फायदा उठाकर सलाखों से बाहर भी आ जाते हैं। मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अभी जिस तरह से प्रदीप जी लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि सीआरपीसी की धारा 482 को जिक्र कर रहे थे जिसमें बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है आपके पास व्यापक शक्तियां हैं लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी काफी हैं, इस लाइन को, इन शब्दों को आखिर किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए? देखिए
482 का जो स्कोप है क्वेशिंग का, हमें ये समझना पड़ेगा हाई कोर्ट कहाँ क्वेश कर सकते हैं। FIR के लिए ललिता कुमारी जजमेंट की आया, हाँ ये है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहे तो बेयर एलिगेशंस देखने के बाद, आपको सिर्फ एलिगेशंस देखना है, आपको वेरिसिटी उनकी उन्हें वेरीफाई नहीं करना इस स्टेज पे, क्वेश्चन के स्टेज पे कि हाँ एलिगेशन सही है या गलत। अगर एलिगेशंस के बेस पे कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो तुम FIR क्वेश नहीं करोगे, लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है तो हाईकोर्ट कैन क्वेश FIR। दिस इज द पर्पज ऑफ 482। लेकिन कई बार क्या होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और ये जो सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट पास करने की जरूरत पड़ी उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत बार क्या होता है कि हर एक FIR के अगेंस्ट क्वेशिंग चली जाती है, वहां अच्छे अच्छे बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स आते हैं कोर्ट उठा के इनिशियल ऑर्डर पे कि ठीक है नोटिस इश्यू कर रहे हैं और इन मीन टाइम प्रोसीडिंग शैल रिमेन स्टेड, या ये ऑर्डर कर देते हैं नो कोर्सिव स्टेप्स विल बी टेकन। वो इंटरिम स्टेज पे इस तरह के ऑर्डर करने से पुलिस का सारा इन्वेस्टिगेशन रुक जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है एलिगेशन के बेस पे तो उठा FIR क्रैश करो, खत्म करो। लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, फैक्ट निकाल के लाएगी, चार्जशीट फाइल करेगी, उन्हें उनका काम करने दो। तो इसको देखते हुए ये जजमेंट पास करने की बारी आई है कि स्पेयरिंगली हर एक मैटर में इंटरिम स्टे पास करना या इंटरिम रिलीफ देना ये जरूरी नहीं है। अगर उसका बेल का केस बन रहा है तो बेल के लिए वो 438 में जा सकता है, 439 में जा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन भी हर जगह है, पहले यूपी में नहीं हुआ करते थे, उत्तराखंड में नहीं होते थे, लेकिन अब वहां पे भी एंटीसिपेटरी बेल तुम्हें मिल सकती है। तो ये इसलिए ये जजमेंट बहुत सही है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस जजमेंट के पढ़ के। पूरा केस लॉ 64 पेज का जजमेंट है, पिछले सारे केस लॉ डिस्कस किए गए हैं, कोई नई नई चीज नहीं लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, नई डायरेक्शंस नहीं दी है, पुरानी डायरेक्शंस हैं जिनको दोबारा से बोलना पड़ा क्योंकि अप्लाई नहीं हो रही थी वो जजमेंट। बिल्कुल वही कारण है कि अप्लाई ना होने के पीछे क्या फैक्टर्स थे, अप्लाई ना होने के पीछे आखिर सबसे अहम कारण क्या थे जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को फिर से जहमत उठानी पड़ी, एक तरह से रिमाइंडर देना पड़ा है। अभिषेक, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं पुलिस पे भी, अगर अब एलिगेशंस और डाउट तो सभी पे क्रिएट होते हैं। पुलिस अगर सीधे सीधे सारे काम अच्छे कर रहे होते हैं या पुलिस के बिल्कुल लूप होल नहीं होते पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, तो ये ना तो इन पावर्स की जरूरत पड़ती ना इन पावर्स को एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती। तो वो तो अपेरेंट दिखाई देता है, पुलिस के ऊपर भी सोसाइटी का प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बहुत तरह के ऑफिसर्स का प्रेशर होता है, उन्हें पब्लिक में रहना है, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज्यादा है, तो कई बार प्रेशर में आके गलत केसेस भी रजिस्टर किए जाते हैं। तो उन केसेस में हाईकोर्ट के पास पावर्स है, हाईकोर्ट क्वेश करती है FIR। तो एक चेक एंड बैलेंसेस सोसाइटी में बना रहे पावर्स का, इसलिए ये प्रोविजंस भी जरूरी है, उन इतनी पावर्स भी हाईकोर्ट के पास होना जरूरी है कि कहीं मिसयूज एक हद से ज्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन साथ साथ हाईकोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है कि हर एक मैटर में इंटरफेयर ना करें, उसे एज ए रूटीन ना बना दें कि हाँ हर एक मैटर में नोटिस और स्टे करके कर दिया और पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने से रोक दिया। ठीक है, मेरा भी एक सवाल है। बिल्कुल, मेरा भी इस बाबत एक सवाल है, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी कहिए। प्रियंका जी, अल्टीमेटली अभिषेक जी भी मेरे पास से हो गए। मैंने आपको याद तो शुरू में यही कहा था कि 482 के जो प्रोविजंस हैं वो स्पेयरिंगली यूज करने। मैं जजमेंट अभी जब मैं देख रहा था दोबारा से, मैं देखने की चेष्टा करी जब आपका ब्रेक था कि कहीं कोई ऐसी बात इसमें नहीं करी, मैंने पढ़ा था इसको दोबारा से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी ये लीगली नो कॉन्टेस्ट एक्शन या प्रेस ना करें, क्योंकि हाई कोर्ट कई बार उन्होंने इस जजमेंट में ही हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्व किया, इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया कि हाई कोर्ट सिर्फ ये लिख देता है, एक लाइन का ऑर्डर दे देता है, नो स्टेप या नो अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 482 का यूज कर सकते, ये नहीं कभी भी बोला, उन्होंने बोला है तो सब तरह की चीजों को ध्यान रखते हुए तब 482 का करेंगे। और भजन लाल की जजमेंट बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि 482 का अब आपने यूज करना है, उसमें क्लॉजेस दे रखे हैं कि इन पर्टिकुलर के अंदर
आप 482 का यूज कर सकते हैं। अगर सीआरपीसी में कोई प्रोविजन है तो लो है तो हम सब उससे बाध्य हैं। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनरल वे में कोई ना करे, वेगली ना करे और ऑर्डर ना दे कि नो कोर्सिव स्टेप या नो अरेस्ट। आप जब आपके सामने एक एफआईआर आ गई, पुलिस 173 के अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर, उसके बाद देखा जाता है मजिस्ट्रेट के पास वो कंप्लेंट जाती है, चार्जशीट जाती है, चार्जशीट के ऊपर एक्यूज्ड को एक बार फिर मौका दिया जाता है वहां की, कि अगर अगर आपको लगता है और जो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि चार्जशीट तब फाइल होती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कई बार पुलिस को अगर लगता है कि इसमें कुछ और भी जरूरत है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट का भी प्रोविजन इसके अंदर है। जी बिल्कुल। तो जब इन्वेस्टिगेशन एक स्टेप हो गया, अगर पुलिस को फिर लगा कि कुछ और बाकी है तो सप्लीमेंट फाइल कर, ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट इन चार्जशीट में सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल की जाते हैं उसके सामने। इसका मतलब ये होता है कि पुलिस की कंप्लीट हो गई है। ठीक है ठीक है, एक ही जय, ठीक है, एके जैन जी, ठीक है ठीक है प्रदीप जी, एके जैन जी एक बात बताइए, यहाँ पर अभी जिस तरह से अभिषेक जी कह रहे थे कि देखिए पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस पर भी कई बार आरोप लगते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पर भी कई बार आरोप लग जाते हैं, तो इस बाबत जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला हुआ है हाईकोर्ट को लेकर कि आप हर मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए या हर मामले को लेकर पूरी तरीके से जो भी हो सुनवाई हो या फिर जो भी फैसला आपको देना है उसमें जल्दबाजी ना करें, क्या लगता है आपको इसमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि कहीं पुलिस को पूरी तरीके से एक अलग तरीके की फ्रीडम मिल जाए जिसका एक नकारात्मक इस्तेमाल भी होता हुआ दिखाई दे, ऐसी संभावनाएं तो नहीं बनेंगे ना भविष्य में, या संभावना है कि बन सकता है? एके जैन जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए वो भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभिषेक जी यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस को एक फ्रीडम मिल जाए खासतौर पर तब जब कहीं ना कहीं खाकी पर भी दाग देखने को मिलते हैं? नहीं नहीं ऐसा फ्रीडम की बात नहीं है, कई लेयर्स वहां भी इंस्पेक्शन के लिए होती हैं, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है, इंस्पेक्टर रैंक का होता है या फिर केस रैंक का, उसके ऊपर काफी ऑफिसर होते हैं और जहां वो ऑफिसर खत्म होते हैं उसके बाद जुडिशियल शुरू होती है, लेकिन मजिस्ट्रेट फिर एडिशनल सेशन जज फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा कहना कि बिल्कुल ही फ्री हैंड मिल जाएगा वो हमारे सिस्टम को पॉसिबल नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस कहीं ना कहीं है, और अब तो पब्लिक के पास भी इतनी पावर आ रही है कि हर जगह वीडियो बना के और या इस तरह की क्लिप्स की आ जाती हैं, तो सीसीटीवी कैमरास की जगह, मतलब लोगों में अवेयरनेस भी है, पहले की तरह नहीं है, पहले जितना दूर दूर तक नहीं होता था इंटीरियर्स में पुलिस किससे आते रहते थे एट्रोसिटीज, अब इतना नहीं होता, चेक एंड बैलेंसेस काफी है, और जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं लॉ डेवलप हो रहा है हर लेवल पे एडवांस हो रही है, तो ये सोचना कि हैंड पावर्स आ जाएंगे ऐसा इस जजमेंट में कहीं नहीं है कि हैंड पावर्स आ जाएंगे, सिर्फ हाई कोर्ट के लिए कहा है कि हर मैटर में इंटरफेयर मत करो, करो तो बहुत रीजंस होने चाहिए, रेयर रिक्वेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इंटरफेयर करो, सिर्फ इतना ही कहा, इससे बहुत ऐसा नहीं है कि पुलिस को ये कह दिया तुम फ्री हैंड काम करो, लेकिन हाँ दोनों की पावर्स कॉम्प्लीमेंट्री है, वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का काम है, उसे ट्रायल करने का काम है, देखने का कि हाँ ठीक कर रहे हैं या नहीं, पर एक स्टेज पर फ्रीडम तो देनी पड़ेगी पुलिस को, इन्वेस्टिगेट करने की, अगर पहले दिन से इंटरफेयर करना शुरू कर दिया ये क्यों कर रहे हो, एफआईआर के तुम सारे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए तुम बात करने लोगों पुलिस के, हाँ हमारे साथ लेके आओ हम देखते हैं केस बन रहा है नहीं बन रहा, भाई चार्जशीट आ जाए तो बात देख लेना वहां से तुम्हारा, ठीक है, लेकिन प्रदीप जी की जो भी बात कह रहे थे प्रदीप जी बकायदा ये कह भी रहे थे कि कई बार ये भी देखा जाता है कि जांच में कई बहुत एक लंबा समय लग जाता है, ऐसे में अगर कोर्ट का रुख ना किया जाए और बाद में ये पता चलता है कि जिस शख्स को लेकर बकायदा जांच चल रही है उस सलाखों के अंदर है और बाद में वो इनोसेंट साबित होता है, निर्दोष साबित होता है, तो उसका उतना वक्त तो चला गया,
उतना वक्त उतना टाइम चला गया। तो ये जो एक बारीक से महीन सी लाइन है, क्या इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है? ऐसे में उसके लिए क्या विकल्प बच जाएगा? देखिए, अब तक ये कहना कि बाद में क्या होने वाला है, ट्रायल के बाद जजमेंट, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड। हर एक केस में जिसमें एक्विटल होता है, ये कहना कि क्राइम उस आदमी ने ना किया हो, ये गलत। हमारे यहाँ जजमेंट का स्टेज आने तक बहुत सारे मैटर्स में कम्प्रोमाइज हो जाता है, बहुत सारा जो कंप्लेनेंट है वो भी ढीले पड़ते चले जाते हैं, या उन्हें लगता है कि चलो छोड़ो अब नहीं करना, या बहुत सारे रीजन होते हैं, या हम टेक्निकल फॉल्ट निकाल निकाल के उस पर भी हमारा एक्विटल हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन में ये कमी रह गई थी, उन्होंने ये प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं किया, इन ग्राउंड पे भी एक्विटल होते हैं। तो एक्विटल होने का मतलब ये नहीं है कि वो इनोसेंट। हमारे यहाँ सिविल और क्रिमिनल दोनों में जो लेवल है प्रूव करने का, वो भी इसीलिए डिफरेंट रखा गया है, और बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया है कि यहाँ क्रिमिनल केसेस में तुम्हें केस साबित करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल, लेकिन सिविल केसेस में साबित करना पड़ता है ऑन द प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो दोनों का जो साबित करने का क्राइटेरिया है वही डिफरेंट है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करने के लिए हर एक मैटर में, इसीलिए कन्विक्शन तक नहीं पहुंचता, लेकिन कन्विक्शन नहीं हुआ इससे ये साबित कर हो जाना है कि वो बिल्कुल ही इनोसेंट था, वो भी सही नहीं, वो उस रीजनिंग तक आना भी, उस लेवल तक आना भी ठीक बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन प्रदीप जी, यहाँ बल्का अगर देखा जाए तो मानकों का भी जिक्र किया गया है, और कहा गया है कि देखिए, सबसे पहले अगर आप इस तरह का कोई फैसला लेते भी हैं, दंडात्मक कार्रवाई को लेकर अगर आप किसी तरीके की कोई सुनवाई करते हैं या फिर कोई भी फैसला लेते हैं, तो उसमें मानकों का ख्याल रखें। ये मानकों का फैक्टर क्या है, क्या मानक हो सकते हैं उसके? अगर मान लीजिए किसी बिल को लेकर या किसी भी मसले को लेकर या किसी भी FIR को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, तो इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मानक क्या है? प्रियंका जी, सबसे पहले तो जो ये अगर जजमेंट आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, अभिषेक जी भी अगर इसको पढ़ेंगे, तो एक बात इसमें साफ साफ लिखी कि जो ये अगर कोर्ट ने कहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, ये कोई नॉर्मल रूटीन के अंदर आप ना दें, कोर्ट ने ये कहा है, कहीं पे भी कहा है कि 42 का यूज नहीं करेंगे। उसने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला है कि अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर केस के अंदर 482 को इन्वोक करते हैं, अगर उसमें आप रिलीफ देते हैं, तो आपको उसका डिटेल्ड एक रीजनिंग देनी है। लेकिन साथ में कोर्ट ने ये कहा है कि रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि उसकी क्रेडिट को अफेक्ट करे, क्योंकि अगर बिल के टाइम में या नो कोर्सिव स्टेप के स्थिति के ऊपर ही आपने मेरिट से डील कर, तो इन्हें वे वो केस खत्म हो गया, हरी चीज तो वही नहीं। तो उन्होंने ये कहा है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिव देने के लिए अपने रिकॉर्ड करेंगे, मैंने ऑपरेटेड यूज किया तो किस तरह से, क्योंकि ऑर्डर में सिंपल कई बार ये लिख दिया नो स्टेप नो अरेस्ट, कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिखा है ना कि इस बात का कि आप ऑपरेटेड करेंगे ही नहीं। अब वैसे भी अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अपराध जिसमें 7 साल तक कैद है, उसके अंदर आपको चार्जशीट कि आप 60 दिन उसकी चार्जशीट फाइल करेंगे, 10 साल के केसेस एंड अबव के लिए। तो अगर कारण से 482 का अगर उपयोग नहीं किया तो डिफॉल्ट बेल का एक अगर टाइम के अंदर पुलिस अपनी चार्जशीट को फाइल नहीं कर पाती है, तो फिर वो डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन है, कोर्ट के सामने आप जाइए, एप्लीकेशन लगाइए, कोर्ट आपको डिफॉल्ट बेल ग्रांट करेगी, कंडीशंस कर देती। बेसिकली जो केस को जब भी कोर्ट ग्रांट करते हैं रिलीफ, आपने देखा होगा कि उसके लिए कंडीशंस इम्पोज, जैसे आप एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे, आप विटनेस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, आप जब बाहर जाएंगे तो पुलिस से को इन्फॉर्म करेंगे, और अगर वगैरह जाना है कहीं पे
आप कोर्ट की परमिशन लेंगे, जी आपके पासपोर्ट को कर लिया जाता है, तो ये सब चीजों का प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि किसी भी तरह जो एक्यूज्ड है को अफेक्ट ना करे, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर टेंस हो सके और बाद ही कोर्ट किसी तरह की डेट पे पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल इस मुद्दे पर आगे भी बात करेंगे कि आखिर इस फैसले के बाद पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है किसी भी मामले को लेकर, किसी भी एफआईआर को लेकर। जी हाँ, बकायदा फैसला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो अपराध यहाँ पे सामने आते हैं, जो एफआईआर सामने आते हैं, उसमें बाकायदा जो हाई कोर्ट है उसको दखल अंदाजी करने से पहले बाकायदा सोचना चाहिए, हस्तक्षेप करने से पहले एफआईआर को पढ़ना चाहिए और साथ ही जो अपराध की एक श्रृंखला है या फिर ये मानकर चला जाए जो गंभीरता है उस बाबत ही फैसला लेना चाहिए। हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अभिषेक जी। अभी जिस तरह से बाकायदा कह रहे थे प्रदीप जी कि आप बाकायदा आपको अगर अधिकार मिले हुए हैं तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है, लेकिन क्या इस बाबत अगर एक भरोसा जताया गया है, एक तरह से जैसे कैसे भी कहिए लेकिन फ्रीडम मिली है कि हाँ आपको प्रारंभिक जांच करने का पूरा अधिकार है, जिसमें हाई कोर्ट अगर देखा जाए तो जरूरत अगर अनावश्यक तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो ऐसे में पुलिस की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि उस प्राथमिक जांच को लेकर, प्रारंभिक जांच को लेकर बाकायदा इतने तटस्थ जो सबूत हैं या फिर जो साक्ष्य हैं उनको इस तरीके से इकट्ठा किया जाए कि जो अपराधी है उसके लिए कोई खास गुंजाइश ना रहे खास तौर पर और निर्दोष लोग उसमें फंसे ना। जी देखिए, आइडियली पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती है, और जब हम बात करते हैं एक भय मुक्त समाज की स्थापना, तो इस भय मुक्त समाज की स्थापना के लिए सबसे पहला फैक्टर यह है कि लोगों का पुलिस में ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी तो खुद पुलिस की है। उन्हें अपना आचरण अगर वो सही रखेंगे और इस तरह के मतलब फॉल्स केसेस नहीं रजिस्टर्ड होंगे या लोगों से बैकडोर से या दूसरे रास्तों से उनका एक्यूज को हेल्प करने की टेंडेंसी खत्म होगी, तो भयमुक्त समाज की स्थापना तो तभी होगी। हम एक सिविलाइज नेशन की जब कल्पना करते हैं तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी तो रहेंगी रहेंगी, और इसी के पुलिस को सुधार करने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात करी जाती है कि बहुत सारे इंटीरियर्स में पुलिस के पास जो गाड़ियां भी होती हैं जिसमें कई बार पिक्चर्स देखने को मिलती हैं कि धक्का लगाना पड़ता है कि आज टेररिज्म के दौर में उनके पास वो पुराने जमाने के बेचारे लठों से काम चलाते हैं, तो जिम्मेदारी उन पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं। हम जब फॉरेन कंट्रीज की पुलिस से कंपेयर करते हैं तो उनके पास जितने एडवांस वेपन्स होते हैं, जितनी पावर्स होती हैं, तो वो सारी चीजें टेक्नोलॉजी भी हमें पुलिस को उस लेवल पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस लेवल की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, बार बार हमें पुलिस रिफॉर्म्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो सारी चीजें एक साथ सारे लेवल्स पे एक साथ चलानी पड़ेंगी हमको, तो एक चीज से काम नहीं चलता है। जी, तो पुलिस को जिम्मेदारी तो पुलिस की रहेगी रहेगी, उससे तो कोई मना नहीं कर सकता कि पुलिस के पास जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस को अपना काम नहीं करना है या पुलिस जैसे मर्जी काम कर सकती है, वो तो कभी नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त कर। बिल्कुल, लेकिन एक अंकुश की तो जरूरत होगी ना, एक पैरामीटर तो निर्धारित करना पड़ेगा, एक अंकुश, एक पैरामीटर। पैरामीटर्स के लिए तो हमारी कोर्ट्स बैठी हुई है ही, पैरामीटर्स के लिए तो एक के बाद एक कंप्लेंट्स आती हैं, पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट्स आती हैं, तो उनपे भी सुनवाई होती है, पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जाते हैं, कोर्ट में आता है, कोर्ट को अगर बिल्कुल दिखाई दे रहा है ट्रायल के टाइम पे तो कोर्ट के पास पावर्स है, कई बार कई मैटर्स में कोर्ट ऑर्डर करती है इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पावर्स नहीं है, पावर्स तो कोर्ट के पास है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को देखने की, सिर्फ एक लिमिटेड स्पेयर में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एफआईआर रजिस्टर होने के बाद और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक, उस टाइम तक इंटरफेयर मत करो, एक बार चार्जशीट फाइल हो गई उसके बाद मजिस्ट्रेट के हाथ में आ जाता है, वो डिस्चार्ज भी कर सकता है कि उसको, वो एक्विटल भी कर सकता है कि उसका, वो अगर पुलिस ने छोड़ दिया है तो उसको भी 319 में कॉल किया जा सकता है, तो वहां से मजिस्ट्रेट की पावर शुरू होती है, एटलीस्ट जिस जहां तक पुलिस की पावर्स है कम से कम वहां तक तो उन्हें काम कर लेना, तो इतना ही बोला है। बिल्कुल, यानी कि जहां तक पुलिस के पास अपनी पावर है, उसकी प्रारंभिक जांच है, वहां तक उसको काम करने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। प्रदीप जी, सकारात्मक पक्ष तो हम सभी समझ गए हैं कि देखिए अगर ये फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट में तो उसके ये पॉइंट्स हैं जो कि सकारात्मक तौर पर कहीं ना कहीं फायदेमंद होंगे, आमजन के लिए भी फायदेमंद होगा, पुलिस की जो अपनी जिम्मेदारी है उसको भी अच्छे तरीके से निभाएगी, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट पर भी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं दूरगामी तौर पर अगर देखा जाए? पहले भी बोला था कि इसके नकारात्मक इफेक्ट्स भी हैं। अगर पेज पे देखिए, इस जजमेंट में ही कोर्ट ने ये बोला है कि एफआईआर एंड
एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, मतलब ये है कि एफआईआर में और फैक्ट्स एंड डिटेल नहीं होते हैं, इसीलिए पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर दिया जाता है और इसीलिए कुछ टाइम दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस कि कितने टाइम के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है। और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो कोर्ट ने ये कहा है कि इंटरफियर ना कर। अब बेल ग्रांट करते टाइम या 482 के प्रोविजंस में यूज करते वक्त जब हाई कोर्ट को सिर्फ ये कहा गया है कि आप इसको रूटीन मैनर में नहीं करेंगे, अगर आप कोई 482 प्रोविजन का यूज करके अगर किसी को कोई रिलीफ दे रहे हैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस होकर डिटेल्ड ऑर्डर होना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये क्यों 482 के मतलब 482 इसके ऊपर अप्लाई करता है। और हर केस के अंदर भी किसी को किसी भी यूज अगर कोई रिलीफ दिया जाता है तो वो कुछ कंडीशंस के साथ दिया जाता है जी। मैंने जैसा अभी आपको टेम्पर नहीं करेगा एविडेंस के साथ, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा, कुछ कंडीशंस इम्पोज किया। अब मेरा मानना ये है कि अगर किसी स्टेज पर केस आया गया कि बाद में कि वाकई में एक्यूज्ड इनोसेंट है, तब एक ये पहलू भी हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि इस पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि इस पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है। ये जो पॉइंट्स हैं जो कि थोड़ा सा अगर देखा जाए तो नेगेटिव शेड में जा रहे हैं तो उस पर भी गौर करने की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी और उसके साथ ही अभिषेक जी और एके जैन जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा जाए तो फैसला अगर हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सही है, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए भी बाकायदा हाईकोर्ट का रुख कर लिया जाता है, तो ऐसे में अगर इन निर्देशों के साथ काम होगा तो हाईकोर्ट पर भी बर्डन कम पड़ेगा और उसके साथ साथ पुलिस को भी एक ताकत मिलेगी, एक बैकग्राउंड मिलने वाला है। लेकिन जिसके नकारात्मक पहलू हैं, क्योंकि खासतौर पर अगर देखा जाए तो कई बार वर्दी पे भी दाग लगते हैं, तो इन पहलुओं पर भी गौर करने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए विपिन के साथ।